फ्रेंड्स वेलकम टू स्पार्क जी के इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स 2020 और 21 में जितने भी सूचकांक यानी कि इंडेक्स आए हैं उनसे संबंधित सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल स्किप ना करें। और जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फिनलैंड। आपको आप इस क्वेश्चन को एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो वो ट्रिक है विश्व प्रसन्नता सूचकांक, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, हैप्पीनेस हमें कब मिलती है, जब हमें फ़न मिलता है, फ़न। ठीक है, फन और फिनलैंड में काफ़ी सिमिलरिटी देख रहे हैं हम, फिन और फन। ठीक है, तो फिनलैंड यानी कि फनलैंड। ठीक है, तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर है, वो है फिनलैंड। और सेकंड नंबर पे कौन सा देश है, तो वो है डेनमार्क। और थर्ड नंबर पर स्विट्ज़रलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फिनलैंड। ठीक है, और भारत का इसमें स्थान क्या रहा है, तो भारत का स्थान इसमें रहा है 139। ये भारत का स्थान है, ये 2021 में रहा है, 2021 में। और 2020 में क्या स्थान रहा है भारत का, तो 144वां। ठीक है, 144वां स्थान रहा है। और विश्व प्रसन्नता सूचकांक को कौन जारी करता है, तो इसे जारी करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जिसका हेडक्वार्टर है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। विश्व शांति सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आइसलैंड। विश्व शांति सूचकांक में आइसलैंड टॉप पर रहा है। ठीक है, हम इसे एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे कि आइसलैंड, अगर किसी के सर पे आप आइस रख दोगे तो उसे बहुत शांति मिलेगी। ठीक है, गर्मी में अगर आप किसी के सर पे आइस रख दोगे तो बहुत शांति मिलेगी। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं विश्व शांति सूचकांक 2021 में कौन टॉप पर है, आइसलैंड टॉप पर है। सेकंड नंबर पर है न्यूजीलैंड, थर्ड नंबर पर है पुर्तगाल, और भारत का स्थान है 2021 में 135वां। ये 2021 में है, और 2020 में कितना था, 2020 में था 139, 139वां ये था 2020 में। और विश्व शांति सूचकांक कौन जारी करता है, तो इसे जारी करता है आई ई पी की फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। IEP का हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए UNDP। कौन जारी करता है, UNDP। इसकी ट्रिक है UNDP में ही इसकी ट्रिक है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास। ठीक है, क्या होता है, विकास। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, जहाँ पर भी विकास है वहाँ पर UNDP। तो 2020 में टॉप पर रहा है नॉर्वे, सेकंड नंबर पर आयरलैंड, और थर्ड नंबर पर स्विट्ज़रलैंड। और भारत का स्थान 2020 में रहा है 131वां। ठीक है, और UNDP की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफ़ी मिलता जुलता है इस क्वेश्चन से। तो मानव पूंजी सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है, इसीलिए मैंने ट्रिक बताई थी, और ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो, मानव पूंजी सूचकांक जारी करता है वर्ल्ड बैंक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक। देखिए, पूंजी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। ठीक है, और कैपिटल हम कहाँ जमा करते हैं, धन पूंजी कहाँ जमा करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं मानव पूंजी सूचकांक कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, UNDP जारी करता है, क्योंकि इसमें DRI यानी कि डेवलपमेंट। ठीक है, और मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है, तो भारत का स्थान रहा है 116वां। कितना, 116वां। और टॉप पर कौन सी कंट्री रही है, टॉप पर है सिंगापुर, सेकंड नंबर पर हांगकांग, थर्ड नंबर पर जापान। और वर्ल्ड बैंक
बर्डवैंक का हेडक्वार्टर का है, बर्डवैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। फॉर्मेशन हुआ था जुलाई 1944 में। अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 142वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 142वां। 2020 में किस स्थान पर रहा है? तो 2020 में भारत का स्थान रहा है 142वां। दोनों साल सेम रहा है तो आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर कौन से देश रहे हैं देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर पर जो देश रहा है वो है नॉर्वे, सेकेंड नंबर पर फिनलैंड, थर्ड नंबर पर स्वीडन और भारत का स्थान है 142वां, ठीक है। और इसे कौन जारी करता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स को? तो इसे जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। फॉर्मेशन हुआ था 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत ने कौन से स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 40वां। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 और 2020 में दोनों ईयर सेम ही स्थान रहा है, 40वां रहा है, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड पर कौन सा देश रहे हैं देख लेते हैं। फर्स्ट पे रहा है यूएसए, सेकंड पे यूके, थर्ड नंबर पर फ्रांस और भारत का स्थान रहा है 40वां। और इसे कौन जारी करता है? तो इसे जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 10वां नंबर, ठीक है, 10वां स्थान प्राप्त किया है। ये आपको याद रखना सही से क्योंकि अभी सेम क्वेश्चन आने वाला है लेकिन डिफरेंस है काफ़ी। यह है परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, और वो होगा जलवायु जोखिम, ठीक है। जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान है 10वां, ये था 2021 में। और 2020 में कौन सा स्थान रहा है? 2020 में रहा है नाइन्थ प्लेस, ठीक है, 9वां स्थान। और जलवायु परिवर्तन सूचकांक में टॉप पर कौन सी कंट्री रही है? तो टॉप पर कंट्री रही है 1 से लेकर 3 तक किसी को भी रैंक हासिल नहीं हुई है, किसी भी देश को रैंक हासिल नहीं हुई है। 4th नंबर पर स्वीडन है, 5th नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है और 10th नंबर पर भारत है, ठीक है। और इसे किसने जारी किया है? तो इसे जर्मन वॉच ने जारी किया जिसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन आ गया लेकिन इसमें काफ़ी डिफरेंस है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? वो था परिवर्तन और यह है जोखिम, ठीक है। तो जोखिम में पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7th, क्योंकि 7th नंबर को हमारे देश में अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जोखिम कहाँ पर होगा? ऑड नंबर पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7th। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अगर परिवर्तन पूछा जाए भारत का स्थान जलवायु परिवर्तन सूचकांक में तो 10वां, और जोखिम सूचकांक में तो 7th नंबर, ठीक है। और 2020 में जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा था? तो इसका स्थान था 5वां। कौन सा था? 5वां। और जलवायु जोखिम सूचकांक में कौन सी कंट्री टॉप पर रही है? तो ये हैं मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास और 7th नंबर पर भारत। इसे कौन जारी करता है? इसको जारी करता है जर्मन वॉच जिसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में न्यूजीलैंड टॉप पर रहा है। सेकंड नंबर पर है वियतनाम, थर्ड नंबर पर है ताइवान और भारत का स्थान है 86वां। कितना है? 86। और कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स को किसने जारी किया है? तो इसे जारी किया है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लोई इंस्टीट्यूट, क्वेश्चन है, जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? जेंडर गैप 2021 में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 140वां, ठीक है। जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत ने 140वां स्थान प्राप्त किया है। और 2020 में 122वां स्थान था, 122वां, ठीक है, याद रखना आपको ये दोनों क्वेश्चन। और
जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहे हैं? तो ये हैं आइसलैंड प्रथम और फिनलैंड सेकंड, नॉर्वे थर्ड नंबर पर। और इसे कौन जारी करता है? तो इसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। WEF की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 21वां। एक ट्रिक है, आप याद रख सकते हो। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भारत ने 121वां स्थान प्राप्त किया है और 2020 में 105वां। ये 2020 का है, ये 21 का है, 21वां, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर कौन से देश रहे हैं? तो फर्स्ट पर आया है सिंगापुर, सेकेंड नंबर पर न्यूजीलैंड, थर्ड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। और जारी करता है, ये करता है हेरिटेज फाउंडेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है हेरिटेज फाउंडेशन का? वाशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए जापान। जापान है फर्स्ट नंबर पर, सेकेंड नंबर पर है सिंगापुर, थर्ड नंबर पर है जर्मनी और भारत का स्थान है 85वां, ठीक है। और यह है 2021 की बात। और 2020 में भारत का क्या स्थान था हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में? तो वो था 84। कितना था? 84। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसकी स्थापना हुई थी 19 अप्रैल 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 87वां। कितना? 87वां। और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉपर कौन सी कंट्री रही हैं? तो टॉपर जो कंट्री रही हैं वो ये हैं, फर्स्ट नंबर पर स्वीडन, सेकेंड नंबर पर नॉर्वे, थर्ड नंबर पर डेनमार्क, ठीक है। और इसे कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। फाउंडेशन हुआ था 24 जनवरी 1971 को। अगला क्वेश्चन, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 49वां, 49, ठीक है। और टॉपर कौन सी कंट्री रही हैं? तो टॉपर जो कंट्री रही वो ये हैं, स्वीडन फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर पर यूनाइटेड स्टेट, थर्ड नंबर पर स्पेन। और इसे कौन जारी करता है? तो इसे जारी करता है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट और फेसबुक, इन दोनों ने मिलकर समावेशी इंटरनेट सूचकांक जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। कौन सा देश? न्यूजीलैंड। सेकेंड नंबर पर सिंगापुर, थर्ड नंबर पर हांगकांग और भारत का स्थान रहा है 63वां, 63। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC, USA, ठीक है। फॉर्मेशन हुआ था 1944 में। इसके अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन हैं डेविड मालपास। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 86वां, 86। और फर्स्ट सेकंड थर्ड पर जो कंट्री रही हैं वो हैं, फर्स्ट पे है डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड, दोनों ने संयुक्त रूप से स्थान ग्रहण किया है फर्स्ट नंबर पे। और थर्ड नंबर पर है चाइना, ठीक है। और इसे कौन जारी करता है? तो इसका जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका हेडक्वार्टर है बर्लिन। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 168वां, 168, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जो कंट्री रही है, टॉप पर आया डेनमार्क, सेकंड नंबर पर लग्जमबर्ग, थर्ड नंबर पर स्विट्जरलैंड। कौन जारी करता है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, कोलोगनी में, ठीक है, कोलोगनी में।
इसकी स्थापना हुई थी 1971 में विश्व आर्थिक मंच की। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र सूचकांक 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नॉर्वे। नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, सेकंड नंबर पर आइसलैंड, थर्ड नंबर पर स्वीडन और भारत का स्थान है 53। ये भारत का स्थान है, ठीक है। भारत का कितना स्थान है? भारत का स्थान है 53। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।